आखिर क्यों वीनस को ट्रांसफॉर्म करना मंगल ग्रह से ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे। दोस्तों, लिंक्डइन की ये पोस्ट जिसे नासा के एक सीनियर रिसर्च फिजिसिस्ट ब्रेंट बोस ने लिखा है, उसमें बताया गया है कि कैसे इलोन मस्क साल 2001 से ही मार्स पर जाने का सपना देख रहे हैं। साल 2007 तक तो उन्होंने ऑफिशियली कह भी दिया था कि मार्स पर इंसानों को बसाना उनका गोल है। पर आखिर मार्स ही क्यों? अगर हम अपने पड़ोसी ग्रह मार्स और वीनस को कंपेयर करें तो वीनस मार्स से ज्यादा करीब है। अब हाँ, ये बात अलग है कि वीनस का टेम्परेचर और इसका हॉस्टाइल इन्वायरमेंट इसकी इजाजत नहीं देता, पर क्या मार्स की तरह हम वीनस को टेराफॉर्म नहीं कर सकते? क्यों ना इसे एक ऐसे प्लैनेट में बदला जाए जिस पर फ्यूचर के इंसान सरवाइव कर पाए और अपनी कॉलोनीज बसा पाए। और हाँ, यहाँ पर मैं वीनस के आसमान में शहर बसाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस प्लैनेट को हम दूसरी पृथ्वी के तौर पर डिजाइन करने वाले। तो दोस्तों, वीनस का एवरेज टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस का है, जिसकी मेन वजह है यहाँ का एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन। वीनस का एटमॉस्फेयर 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी भी है। वीनस का सरफेस प्रेशर पृथ्वी के कंपैरिजन में 92 टाइम्स ज्यादा है, मतलब अगर आप वीनस की सरफेस पर खड़े होते हो ना, तो आपकी बॉडी को उतना ही प्रेशर झेलना होगा जितना कि धरती पर ओशियन के 3000 फीट नीचे पानी का प्रेशर होता है। मतलब यहाँ पर आप पिचक जाओगे। अब देखो, यहाँ पर वीनस और अर्थ को ट्विन प्लैनेट्स ऐसे ही नहीं कहते। वीनस का डायमीटर धरती के कंपैरिजन में 95% है और इसकी ग्रेविटी 90% के करीब है, जबकि मार्स का डायमीटर तो अर्थ का लगभग आधा ही है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाद वीनस ही सेकेंड लार्जेस्ट हैबिटेट है, क्योंकि आउटर प्लैनेट्स पर रहना इम्पॉसिबल है और इनके मून्स का एरिया काफी ज्यादा कम है। अब अगर हमें पृथ्वी के अरबों लोगों और खरबों एनिमल्स के लिए कोई घर खोजना है, तो वीनस को टेराफॉर्म करना हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन साबित होगा। हालांकि ये कुछ दिनों या फिर कुछ सालों का काम नहीं है। देखो, वीनस को टेराफॉर्म करने में कई जेनरेशन बीत जाने वाली है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इसे टेराफॉर्म किया कैसे जाएगा। वेल, इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमें वीनस के टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा, जो कि आजकल के ह्यूमन के टॉलरेंस लेवल से काफी ज्यादा हाई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस हाई टेम्परेचर का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वीनस के एटमॉस्फेयर में 465 क्वाड्रिलियन मेट्रिक टन से भी ज्यादा मौजूद है। तो आखिर इस कार्बन डाइऑक्साइड से पीछा कैसे छुड़ाएं? पर इसका पहला तरीका है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए सेपरेट करने की टेक्निक होती है। अब देखो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है, उसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं ना, तो ये आपस में रिएक्शन करके कैल्साइट में बदल जाएगी और वीनस की सरफेस पर जमा हो जाएगी। पर आखिर इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को वीनस के एटमॉस्फेयर से रिमूव करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड आएगा कहाँ से? वेल, इसके लिए हम वीनस के पड़ोसी ग्रह मर्क्यूरी की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ कैल्शियम काफी मात्रा में मौजूद है। देखो, रॉकेट्स की मदद से ये कैल्शियम मर्क्यूरी से वीनस की ओर भेजा जाएगा और फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रोसेस के जरिए इसे कैल्साइट में बदल दिया जाएगा। हालांकि ये जितना आसान साउंड कर रहा है ना, उतना आसान है नहीं। मर्क्यूरी से कैल्शियम को वीनस तक पहुंचाने में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्साइट में बदलने में हजारों साल का समय लग जाने वाला है। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका है कि हम वीनस के एटमॉस्फेयर को हीट ही होने ना दें। देखो, कहने का मतलब यह है कि हम सूरज की रोशनी को वीनस तक पहुंचने ही नहीं देंगे। अब देखो, ऐसा करने का एक तरीका तो वीनस और सन के बीच एक मिरर का फॉर्मेशन कर देने से हो जाएगा, पर देखो, अगर ये एक प्लेन मिरर या वन सरफेस्ड मिरर होगा तो सोलर विंड्स इसे कुछ ही समय में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में हमें अपने मिरर्स को अलग अलग लेयर्स में लगाना होगा, जो एक दूसरे के साथ परफेक्ट एंगल पर अलाइंड होंगे। सूरज से आने वाली लाइट को ये मिरर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के जरिए वापस सूरज की ओर भेज देगी और वीनस तक कोई हीट पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन आखिर ऐसा करके हम वीनस को कब तक ठंडा कर पाएंगे? इंस्टेंटली? वेल, नहीं भाई, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, शुरुआत के कुछ सालों तक तो वीनस धीरे धीरे कूल डाउन होने लगेगा, पर इसके डेंस एटमॉस्फेयर पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। करीब 60 साल बाद वीनस के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और इस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बनकर बारिश की तरह बरसने लगेगा। अगले करीब 30 सालों तक ये बारिश लगातार होती रहेगी और वीनस की सरफेस पर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के लेक्स और रिवर्स बनने लगेंगे। फिर करीब 100 से 150 सालों के बाद वीनस का टेम्परेचर, जो शुरुआत में 460 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, वो -56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने वाला है। करीब 200 से 250 सालों के बाद वीनस की नदियां बर्फ में बदल जाएंगी और ये एक फ्रोजन प्लैनेट बन जाएगा।
अब देखो, जिस तरह से धरती पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक वैसे ही वीनस के सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड के आइस के ग्लेशियर्स होंगे। अब देखो, वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हमने आइस तो बना दिया, पर अभी भी वो सरफेस पर मौजूद पड़ी ही है। वीनस का एटमॉस्फेयर अब नाइट्रोजन से भर चुका है और उसका सरफेस प्रेशर जो पहले करीब 92 टाइम्स हुआ करता था ना, वो अब धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 3 गुना ही रह जाएगा। वीनस को रहने लायक बनाने के लिए हमें इस प्लैनेट को फिर से गर्म करना होगा, पर अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये कि ऐसा करते ही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से गैशियस फॉर्म में आ जाएगी और एटमॉस्फेयर को एक बार फिर से कैप्चर कर लेगी। अब अगर हमें वीनस की सरफेस पर एटमॉस्फेयर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो एक बार फिर से रॉकेट्स की मदद लेनी होगी और इन्हें दूर किसी प्लैनेट पर छोड़कर आना होगा। हालांकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है और इस पूरी प्रोसेस के बीच कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर से वीनस के एटमॉस्फेयर में रिलीज हो ही जाएगी। अब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वीनस से रवाना हो जाती है तो हमें इन खाली पड़ी नदियों को पानी से भरना होगा और ये पानी हम पृथ्वी से नहीं भेजने वाले। इसके लिए हम रुख करेंगे जुपिटर के मून यूरोपा का, जिसे सोलर सिस्टम का वाटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। यूरोपा के फ्रोजन ओशियंस में पृथ्वी के कंपैरिजन में डबल पानी होने का अनुमान है। यूरोपा से ये पानी लाकर हम वीनस के एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं जो सरफेस पर बारिश के फॉर्म में गिरेगा। अब कई सौ सालों तक इसी तरह यूरोपा से पानी आता रहे तो वीनस पर ओशियंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओशियंस ही नहीं, वीनस पर कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स भी नजर आएंगे। पर अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में दो कमियां मौजूद है। पहली है एक्सेस नाइट्रोजन और दूसरी है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरह ही नाइट्रोजन को भी ट्रैप करके वीनस के बाहर किया जा सकता है। हालांकि इस नाइट्रोजन को हम इंसान अपने फेवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें वीनस की सरफेस पर सियानोबैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना होगा। ये सियानोबैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस से अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो लिविंग बींग्स के द्वारा यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में बताना चाहूंगा जो पृथ्वी पर आज से करीब 200 करोड़ साल पहले हुआ था। इस दौरान हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से बढ़ी थी, जिसने अल्टीमेटली इस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को सपोर्ट किया। और ऑक्सीजन लेवल के इस इंक्रीज का पूरा क्रेडिट इन्हीं सियानोबैक्टीरिया को ही दिया जाता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखो, सियानोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को कम भी कर देंगे और भर भर कर हमें ऑक्सीजन की फॉर्मेशन भी कर देंगे, लेकिन उन्हें अपनी वाली फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटोन यानी कि लाइट की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। पर हम तो सूरज को वीनस से ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, तो क्या करें? मिरर को हटा दे? अरे नहीं भाई, नहीं। अगर हमने एकदम से मिरर को हटा दिया तो हमारी पूरी मेहनत पर ना पानी फिर जाने वाला है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि वीनस का एक दिन 5,832 घंटों का होता है, यानी कि पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर। इसको कंसीडर करते हुए अगर हम अचानक से मिरर को हटा देते हैं तो वीनस की एक साइड पर कम से कम 2,900 घंटों तक लगातार सनलाइट पड़ने वाली है, और ये सनलाइट वीनस के उस रीजन को फिर से आज की तरह हॉस्टाइल बना देगी। अब सूरज से सनलाइट को वीनस की सरफेस तक डायरेक्ट पहुंचाने की जगह हमें कुछ और मिरर्स का इस्तेमाल करना होगा, जिनसे रिफ्लेक्ट करके सनलाइट एक लिमिटेड मात्रा में वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। अब एक बार वीनस पर सनलाइट पहुंची तो ये सारी प्रोसेसेस को अपने आप ही इनिशिएट कर देगी और वीनस पर भी पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर डेवलप होने लगेगा। पानी और ऑक्सीजन के बाद अब हमें अपने खाने का इंतजाम करना होगा, जिसके लिए हमें पेड़ लगाने हैं और सॉइल की भी जरूरत है। वीनस की सरफेस पर मिनरल्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बस ये हार्ड रॉक्स के फॉर्म में मौजूद है, जिन्हें पृथ्वी से बड़े बड़े ग्राइंडर्स भेजकर सॉइल में बदलना होगा। अब जैसे ही वीनस की जमीन पर सॉइल पर्याप्त मात्रा में आ जाती है तो यहाँ पर पेड़ पौधे, वेजिटेशन और फॉरेस्ट ग्रो होने शुरू हो जाएंगे और इस प्लैनेट को हरा भरा कर देंगे। अब यहाँ प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एक बार फिर से वीनस के एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट करना होगा। हालांकि ये कंट्रोल्ड वे में किया जाएगा। प्लांट्स की ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए मिरर्स की मदद से वीनस की सरफेस के स्पेसिफिक एरिया तक सनलाइट को पहुंचा सकते हैं, जिससे दिन और रात हर समय इनकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहे। अब जब हमारा नया प्लैनेट पूरी तरह टेराफॉर्म हो चुका है तो हम धरती से यहाँ ह्यूमंस और एनिमल्स को लेकर सेटलमेंट्स बना सकते हैं और इस प्लैनेट के रिसोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखो, इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको ये जरूर लग रहा होगा कि वीनस को टेराफॉर्म करना आज के ह्यूमंस के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर देखो, हम इंसान जिस तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है जब वीनस को टेराफॉर्म करने से लेकर सोलर सिस्टम में लाइफ की हर पॉसिबिलिटी को तलाशना हमारे लिए संभव बन जाएगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या फ्यूचर में इलोन मस्क की तरह ही कोई इंसान वीनस के लिए भी आवाज बुलंद करेगा?
अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि वीनस को टेराफॉर्म करने का ये पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल हो भी सकता है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।